हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो में मैं एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है कि क्या सर हमने पैरेलल प्रिपरेशन करना चाहिए या डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहिए, जिसमें मैं सारी चीज़ें छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ 24/7 मेरा प्रिपरेशन ही करूँ। तो गाइज मैं इस चीज़ का जो आंसर है वो करंट सिनारियो पे बेस्ड देना चाहता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को आपने मुझे कुछ सालों पहले पूछा होता तो शायद मैं कोई डिफरेंट आंसर देता। अभी के स्टेट में आपको 101% पैरेलल प्रिपरेशन पे जाना चाहिए। अभी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो तो उस एग्ज़ाम में आप देख सकते हो कंपटीशन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा शूट आउट हो चुका है। मैं रिसेंट एग्जाम्पल लेता हूँ रेलवे एग्जाम्स का ही, या फिर सबसे फेमस एग्जाम्पल जो अग्निवीर वाला जो स्कीम था उसका एग्जाम्पल लेते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, लेकिन अगर जब हमने एप्लीकेशंस देखे तो एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स में आए हैं। तो पीपल इन इंडिया वांट जॉब, अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके बहुत से रीजंस है, अगेन वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट। इम्पॉर्टेंट इज ऐसे केस में आपको हमेशा एक सेकेंड ऑप्शन रेडी रखना जरूरी है। जनरली लोग ये करते हैं कि जब उनके सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे या फिर जब वो प्रिपरेशन से हार मान जाते हैं उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है उसको परस्यू करने का वो सोचते हैं, लेकिन ये सबसे डेंजरस है। ठीक है, लुकिंग एट टूडेज कंडीशन, अगर आप 2-3 साल बाद एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं एंड 2-3 साल बाद अगर कुछ नहीं होता तो लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो आपके फेलियर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इससे हमें बचना है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है पैरेलल प्रिपरेशन, हमेशा पैरेलल प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड सोर्स या फिर जो सेकंड आपका ऑप्शन है उसको रेडी रखिए। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आप पैरेलल प्रिपरेशन जब कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन आपका कर रहे हैं उसके साथ आप पैरेलली कहीं टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी के बारे में पढ़ाएं, आप 10th पढ़ा सकते हैं या बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप इन्वॉल्व रहें बाहर कहीं। ठीक है, इस इन्वॉल्वमेंट का आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लेटर से 24/7 प्रिपरेशन करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी 24 आवर्स में हमेशा 100% नहीं रहेगी, बहुत बार वो ड्रॉप आउट हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आपने 16 घंटे 50% की प्रोडक्टिविटी से प्रिपरेशन किया तो इफेक्टिव आप तो 8 घंटे ही प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप पैरेलली प्रिपरेशन करोगे तो भले ही आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ाने के लिए तो वापस जब आओगे तो आपके पास उसी वही एनर्जी रहेगी, एंड आप 8 घंटे भी अच्छे से भी पढ़ लेते हो तो भी वो इक्विवेलेंट है 16 आवर्स के विद 50% प्रोडक्टिविटी। इसीलिए पैरेलल प्रिपरेशन में पहला ऑप्शन आपका हो जाता है टीचिंग। सेकंड ऑप्शन आपका होता है आप कोई भी हायर एजुकेशन कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, इसके साथ भी आप पैरेलल प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो, अपने ही सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे एंड आपके पास एक डिग्री भी है, वहां से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कुछ नहीं होता है तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज करके वहां से लेके आप जो आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है उसमें जा सकते हो। पहले ये केस डिफरेंट था, पहले आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी थी कि वो करने से अच्छा है कि यहाँ आप ज्यादा मेहनत करो और पास हो जाओ। अभी यहाँ ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, तो अगेन आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, आई एम हियर टू ऑप्टिमाइज यू। ठीक है, मैं चीजों को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के आपको मतलब इस सेक्टर के बारे में जो सैड ट्रूथ्स है उनसे दूर नहीं ले जाना चाहता। मैं आपको हमेशा जो अप्रोच देता हूँ वो ऑप्टिमाइज रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो गाइस सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अभी जो करंटली बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो सारा जैसे स्केलर एंड ऑल, मैं किसी ब्रांड का कोई प्रमोशन वगैरह यहाँ नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इज कि ऐसे आप ऐसे अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं पैरेलल टू योर प्रिपरेशन जो आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। जॉब करने का एक ही डिसएडवांटेज होगा गाइस, जो विटामिन एम होता है इससे जनरली आपके जो प्रिपरेशन के एम्स है वो फेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जब हर मंथ सैलरी आएगी तब आप जो है ये सोचोगे कि क्यों करना प्रिपरेशन, आ तो रही है सैलरी। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि कुछ बेटर करना है लाइफ में तो प्लीज़ ये अपना जो एम है उसको फेड आउट मत होने दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 8 घंटा आप जॉब करेंगे, बाकी 6 घंटे भी अगर दिन में पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मैंने डिटेल प्रिपरेशन वीडियोज एंड ऑल सब डाला हुआ है, लास्ट मेरी वीडियोज चेक कीजिए। मैं अगेन हर बार 2-3 मंथ स्ट्रेटजी ये वीडियोज नहीं डालता क्योंकि उसमें एक्चुअल में कोई सेंस नहीं होता। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फुल एंड फाइनल होती है, एक ही होती है। ठीक है, हर एक एक महीने के बाद अगर आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी तो वो स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इज जॉब के साथ ये एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि जो विटामिन एम है उसका इफेक्ट अपने सर पे मत चढ़ने देना, अपना जो भी एम है उसको बनाए रखना एंड धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करोगे 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट इज कि आपको सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी रेडी रखना है, बिकॉज बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके हाथ में नहीं होंगे और उसके वजह से शायद आपका सिलेक्शन ना हो पाए।
एंड इसमें खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट एटलीस्ट आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, तो आप अपने लाइफ में जो है एक्सेल कर जाओगे। ठीक है, तो गाइस ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने यही बताया आपको कि हाउ व्हाई यू शुड डू पैरेलल प्रिपरेशन। ओके, सो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज लाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।